स्वागत है हमारे चैनल पर लॉन्ग टर्म शेयर्स में। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे नए वीडियो की। देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो हमें जल्दी समय में तो नहीं लेकिन लंबे समय के लिए अच्छा रिटर्न देते हैं, बोनस देते हैं, डिविडेंड होते हैं, स्प्लिट के माध्यम से हमारी क्वांटिटी बढ़ती है और डिविडेंड जो हर साल हमें टैक्स फ्री मिलता है उसको हम चाहें तो रीइन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में भी शामिल कर सकते हैं। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री एक शानदार कंपनी है। मैं इसके प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा तो ये बेमानी होगा। कौन नहीं जानता या फिर कौन इनके प्रोडक्ट्स नहीं खाता, किस घर में इनके प्रोडक्ट्स नहीं जानते हैं। बेसिक अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इनके प्रोडक्ट्स में क्या है तो बिस्किट्स हैं, गुड डे के क्रैकर्स है, न्यूट्रीचॉइस है, मैरी गोल्ड है, टाइगर है, मिल्क है, जिम जैम है, ट्रीट है, बोबॉन है, लिटिल हार्ट्स, प्योर मैजिक, नाइस टाइम। और ब्रेड्स में भी होल व्हीट ब्रेड्स है, वाइट सैंडविच है, ब्रेड्स है, ब्रेड असॉर्टमेंट हैं, डेली ब्रेड्स हैं, इस तरीके के डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, मिल्क बेस्ड बेवरेजेस हैं, फ्रेश डेयरी के एवरीडे गुडनेस है, और केक्स हैं, टिफिन फन, नट एंड रेसिन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो खाने पीने में बनाती है कंपनी और घर घर में इस्तेमाल होते हैं। FMCG की ज़बरदस्त कंपनी है, कोई इसमें दो राय नहीं। अब जब ऐसे दिग्गज कंपनियों के हम अपने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखते हैं तो हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि हम चैन की नींद सो सकते हैं ऐसी कंपनियों के स्टॉक लेने के बाद। तो चलिए कुछ रिजल्ट्स भी देखते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि अभी जो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है इस स्टॉक को लेने के लिए या कुछ इसकी क्वांटिटी बाइंग करने के लिए, वो क्यों है तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड 2596 रुपये के भाव पे आज 2 अगस्त 2019 4 बज चुके हैं, मार्केट बंद हो चुकी है। लेकिन अपने 52 वीक लो के पास है, जो 52 वीक लो था, साल का जो लो था 2540 था और हाई बनाया था 3457 रुपये, मतलब हाई से काफ़ी नीचे है। और इस तरीके की दिग्गज कंपनियां अगर हमें नीचे के लेवल पर मिलती हैं, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये स्प्लिट हुआ था तो जिसके पास एक शेयर थे, मतलब 2 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आ गया था तो उसके शेयर्स डबल हो गए थे। और उसी अकॉर्डिंग उसी ऑर्डर में प्राइस भी करेक्ट हो जाता है, मतलब प्राइस के भी 2 भाग हो जाते हैं, सिंपल सी बात है, ये एडजस्ट करता है। मार्केट कैपिटल है 62,395 करोड़ की, अर्निंग पर शेयर 49 यानी 50 रुपये के आसपास और पी रेशियो 52 का, जबकि इंडस्ट्री फी 49 का, और 178 इसकी बुक वैल्यू है, 43% डिलीवरी है। और ऑफकोर्स फेस वैल्यू तो मैंने बताया ही कि 2 से 1 का हुआ था पिछले साल 2018 में, प्राइस टू बुक है 14.56। और यहाँ पे अगर हम टोटल कर्ज़ा देखते हैं तो 0 है, देखिए टोटल कर्ज़ा के नाम पे 0 है। हम फाइनेंशियल्स भी इसके देखेंगे। और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, देखिए हर साल अच्छा डिविडेंड पे करता है। देखिए 2019 में भी इन्होंने पे किया है 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो अगर आपके पास ज़बरदस्त क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा डिविडेंड इसमें मिल सकता है। और अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं तो नेट सेल्स जहाँ हम मार्च 18 से मार्च 19 के देख रहे हैं, क्योंकि अभी क्वार्टर वन यानी जून के अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, जब आएंगे तो फिर से अपडेट करेंगे। तो नेट सेल्स में यहाँ पे जो है 2509 करोड़ की जो 18 में थी वो 19 में हो गई 2764 करोड़ की, यानी कि 10 पॉइंट की नेट सेल्स में जंप है, एक अपसाइड है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ करीब करीब 10% की अपसाइड है। इंटरेस्ट भी इनका कम हुआ है, जो कर्जा वर्जा से इंटरेस्ट ब्याज व्याज देना पड़ता था वो भी काफ़ी कम हुआ है, 1:1 के नीचे, अच्छा 1.25। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यहाँ पे 12.76% यानी 13% की अपसाइड है। हाँ, मार्जिन में यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है, थोड़ी सी 0.05% की डाउनसाइड दिखा रहा है। लेकिन अगर हम इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं, 4 के फाइनेंशियल ईयर 2019 क्वार्टर 4 के, तो यहाँ पे देखिए 18 से मार्च 19 में यहाँ पे 2% की नेट सेल्स में 2.5% के आसपास के 2.25% के आसपास के डाउनसाइड है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 3.37% के डाउनसाइड है। और इंटरेस्ट हालांकि कम हुआ है।
और नेट प्रॉफिट में भी यह 1.15% की डाउन साइड है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो मार्जिन में भी यहाँ पे 0.30% की डाउन साइड। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन ईयर ऑन ईयर इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। और बीच में एक इश्यू भी आया था, इनके जो प्रमोटर्स, वन ऑफ द प्रमोटर्स कंपनी के, उन फॉरेन में किसी कंट्री में उनको किसी वजह से, मैं एग्जैक्टली नहीं कह पाऊंगा, मैंने सुनी थी खबर उड़ती उड़ती, उस वजह से भी उस समय भी ब्रिटानिया इंडस्ट्री डाउन हुआ था, और अभी भी फिलहाल इसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है। तो मुझे लगता है अगर ऐसी FMCG की दिग्गज कंपनियां हमें मिलती हैं नीचे के लेवल पे, तो हमें ख़रीदारी से चूकना नहीं चाहिए, और किसी कारणवश अगर हमें और नीचे के लेवल मिलता है तो फिर जान लगा देनी चाहिए। क्योंकि अच्छी कंपनियों के शेयर्स, देखिए खाने पीने की जो ये कंपनी है इतने वर्षों से हमारी सेवा कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई बहुत बड़ा इशू आता है। एक दो क्वार्टर के रिजल्ट्स ख़राब आ सकते हैं। देखिए 1918 से, मतलब आज़ादी के पहले से ये काम कर रही है वाडिया हाउस, और अपनी इंडस्ट्री में चौथे नंबर पे है, लार्ज कैप की कंपनी ज़बरदस्त। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंपनियां जो 100 सालों, 125 सालों से सर्विस दे रही हूँ, वो उनमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। और जो रिटर्न्स हैं वो भी मैं हम बताएंगे, प्रमोटर्स के पास ज़बरदस्त होल्डिंग है, 50% से ज़्यादा की है, और जो हाईएस्ट प्रमोटर्स यही हैं, और लाइफ इंश्योरेंस ने ज़बरदस्त भर रखा है, इंडिविजुअल भी 15% से ज़्यादा के ही हैं, FIIs तो इसमें 15% होल्डिंग, और 569 हैं FIIs, तो शानदार है कंपनी। और स्प्लिट होती या बोनस के माध्यम से या फिर डिविडेंड के माध्यम से, आपको चौतरफा आपको रिटर्न भी मिलते रहते हैं। और अगर हम स्टॉक रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 10 सालों में देखिए आपका पैसा 13 गुना, मतलब कि अगर आपने 1 लाख लगाए थे तो 1294% की रिटर्न, यानी कि 13 लाख से 14 लाख रुपए आपके हो गए अगर आप 1 लाख रुपए 10 साल पहले लगाते। इसी प्रकार से 5 सालों में 350% के आसपास, जबकि इतनी गिरावट आ चुकी है, और 4 सालों में 64% के, 3 सालों में 80%, 2 सालों में 34%, लेकिन ईयर 1 साल से हमें लगातार यहाँ पे गिरावट मिल रही है, तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इस ऐसी कंपनी में दोस्तों, जिनको लगता है कि हमें मार्केट में नुकसान होता रहता है या फिर हमें मज़ा नहीं आता, हम कोई दूसरी कंपनी में ख़रीदते हैं या छोटी प्राइस के चक्कर में हमें लॉस हो जाता है, तो FMCG की दिग्गज कंपनी अपने पोर्टफोलियो में आप ज़रूर रखें। आपने इनके प्रोडक्ट्स भी देखे हैं, आप खुद खाते हैं, आप भरोसा रखते हैं, तो अब लेकिन हाँ, आपका जो नज़रिया होना चाहिए वो 10 साल तो एटलीस्ट लेके चलिए, क्योंकि आपने देखे रिटर्न्स किस प्रकार के हैं। तो जहाँ शुरुआत में रिटेल निवेशक ये सोचता है कि पहले हमें फिक्स डिपॉजिट में हमें 9 साल में डबल हो जाता है प्राइस, हाँ वो ठीक है कि आपका सेफ एंड कन्फर्म्ड रिटर्न होता है, उधर शेयर मार्केट में कुछ भी कन्फर्म नहीं होता कि आपको कुछ हो जाए, लेकिन ऐसी कंपनियों पे भरोसा तो कर सकते हैं जो 100 सालों से चली आ रही हैं। तो इन्होंने अगर 10 सालों में 1300% के आसपास के रिटर्न दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आँख मूंद के इनमें पैसा डालने की ज़रूरत है। हाँ अब ये देखना ज़रूर है कि थोड़ा सा बड़ा प्राइस है ऑब्वियसली, लेकिन आप देखिए कि अपने हाई से कितने लो पे आ गया है, तो अभी 2500 के आसपास इसका प्राइस है, और हर गिरावट पे आप भरते जाएं जब भी आप सक्षम हो, मैं तो आपको ज़बरदस्त इसमें रेकमेंड करूँगा ऐसी कंपनियों में। तो दोस्तों अब मैं बस यहीं पर अपनी वीडियो वाइंड अप करना चाहूँगा, और अगर आपको किसी प्रकार के क्वेरीज हो इस स्टॉक से रिलेटेड, तो ज़रूर आप कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।